नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में आगामी रविवार 30 अप्रैल को सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव ओम गुप्ता, नेत्र प्रभारी कमले दलाल ने बताया कि यह परिषद द्वारा प्रति माह आयोजित IOL नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 106वां शिविर स्थानीय सेठ सीताराम धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है। एलएन चौधरी आईटीएम के सहयोग से आयोजित शिविर में चयनित मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य मरीजों को बस द्वारा संस्थान के मध्य प्रदेश आनंदपुर कस्बे में स्थित नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर वहां पर 10 डॉक्टर्स के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस, दवाइयां, ऑपरेशन चार्ज, आने जाने, ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि समस्त व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। भवानी मंडी में संचालित गौशाला के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने एवं अवैध बताकर राजनीतिक दबाव बनाकर तोड़ने की कार्रवाई के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में राष्ट्रीय बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत उपाध्यक्ष कपिल देव शर्मा, कोटा संभाग महामंत्री शंकर सिंह राणा, 12 विभाग अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर, विभाग महामंत्री सांवरिया राव, भवानी मंडी जिला अध्यक्ष चोतमल वैष्णव, जिला गोरक्षा प्रमुख भैरव गुर्जर, AHP जिला अध्यक्ष वैभव पालीवाल, संरक्षक मनोज वैद, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव, राहुल प्रजापति, राष्ट्रीय किसान परिषद जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मोयखेड़ा, टीम झलावाई, टीम झालरापाटन, टीम भवानी मंडी, टीम पचपाल, सूलिया, सुनील, गुजर का केड़ा समेत जिले के आसपास के क्षेत्र से सभी युवा वरिष्ठ साथियों ने गौशाला पहुंचकर वाहन रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विशेष अभियान के अंतर्गत डक पुलिस ने शांतिभंग की धाराओं में 53 लोगों को गिरफ्तार किया। CRPC 107 व 151 में किया मामला दर्ज। डग SHO अमरनाथ जोगी ने बताया कि जिला SP ऋचा तोमर के निर्देश पर ऐसे अपराधी चोरी, लूटपाट, मारपीट, एंडिफेस एक्ट, अवैध शराब, संपत्ति सहित अन्य गंभीर मामलों में लिप्त उन अपराधियों के घर जाकर आज सुबह से डग पुलिस ने छापेमारी की हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई जिससे अपराधों में लगाम लगाई जा सके। जिस क्रम में डग कस्बे, डग थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 53 आरोपियों को गिरफ्तार कर शांति भंग पाबंदी की कार्रवाई की गई ताकि डग थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके। पिड़ावा नगर के दिगंबर जैन मांगलिक भवन में पूर्विया परिवार द्वारा दिवंगत वरिष्ठ अध्यापक जितेंद्र कुमार जैन की तृतीय पुण्यतिथि पर नूनो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भवानी मंडी के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। पूर्विया परिवार के हिमांशु जैन, सुशील जैन, राजकुमार जैन, प्रदीप जैन, आदित्य जैन, कपिल जैन के अगुवाई में आयोजित परामर्श शिविर का उद्घाटन पूर्व पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटिल, रार उपाध्यक्ष राजू माली, हरिवंश शर्मा, पंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाई, डॉक्टर विकास जैन, मुकेश मासूम, भारत प्रेमी पीयूष जैन, भूपेन जैन द्वारा किया गया। शिविर में नून हॉस्पिटल के जनरल सर्जन, कौशलेंद्र सचिव, स्त्री रोग विशेषज्ञ सानु सक्सेना, फिजिशियन दिलीप मालवीय, शिशु रोग विशेषज्ञ वंदना पाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल ने करीब 270 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। वही कार्यक्रम अधिकारी प्रताप सिंह झाला, सुरेश बिरागी, अनिल गोर, PRO जितेंद्र शर्मा ने सहयोग किया। शिविर का आयोजन हॉस्पिटल CO देवव्रत मुखर्जी के निर्देशन में किया गया। पिड़ावा में मंगलवार को पूर्व उप प्रधान वरिष्ठ कांग्रेस नेता भैरव सिंह चौहान रूपपुरा के द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र कांग्रेस जिला महासचिव मान सिंह चौहान की अगुवाई में सामुदायिक चिकित्सालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व पूर्व उप प्रधान चौहान के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा को पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साबिर मोहम्मद, जिला महासचिव संजय डांगी, फरीद अहमद मंसूरी, रघुनाथ सिंह परमार, मुकेश मासूम ने संबोधित कर चौहान के जीवन चरित्र प्रकाश डाला। इसके बाद चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों प्रसूताओं को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर महेश बावसार, रणजीत सिंह चौहान, दिनेश राठौर, जान मोहम्मद, कांग्रेस नगर अध्यक्ष विरेन सिंह बागवान, मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, चितेन सिंह सरपंच, ईश्वर सिंह, शिव सिंह, हाजी अतिक मोहम्मद, पूर्व सरपंच गोकुल सिंह, धीरज सिंह, विजय सिंह चौहान, बने सिंह, कपाल सिंह, बालू सिंह, चैन सिंह, शंकर सिंह, सीताराम शर्मा, रामनारायण पेंटा, रमेश मेघवाल, सुरेश सिंह, भारत सिंह, राकेश दांगी, बद्रीलाल वर्मा, एडवोकेट ईश्वर सिंह, रघु सिंह, बलवंत सिंह, सुरान सिंह, सुमित सिंह, महावीर सिंह, कृपाल सिंह आदि ने चौहान के चित्रों पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। झालावाड़ जिले के गंगदार कस्बे स्थित काली सिंह नदी के समीप मौजूद बाबा साहब फजलुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्ला अलैह का 102वां
हाउस मुबारक 30 अप्रैल व 1 मई को होगा शुभारंभ। धनराज सर सलीम खान पठान ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी बाबा फजलुद्दीन नक्शबंदी का उत्सव मुबारक बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। उसका आगाज 29 अप्रैल को परचम कुसाई की रस्म के साथ उसका आगाज किया जाएगा। वहीं 30 को कुरान खानी के बाद फजलुद्दीन के फातह के बाद तबरुक लंगर खाने का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गंगा चोमिला चिश्तीपुरा डग आसपास के सैकड़ों के जायरीन बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। 1 मई को आसपास के क्षेत्रों व दूर दराज से आए लोगों के लिए लंगर खाने का आयोजन किया जाएगा। उसके दौरान महिलाओं का आना प्रतिबंध रहेगा। चोमिला महंगाई राहत कैंप जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन इसका लाभ सिर्फ बीपीएल परिवार को ही मिलेगा। चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो या उज्ज्वला गैस वाले कनेक्शन धारी हो, कल और आज भी ग्राम पंचायत चोमिला में परिवार के मुखिया योजना की जानकारी लेते हुए दिखाई दी। झालावाड़ जिला बाल संरक्षण इकाई एवं एक युद्ध नशे के विरुद्ध त्रैमासिक बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित सभी अधिकारियों विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि जिले में कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर इसकी जानकारी तुरंत जिला व पुलिस प्रशासन को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम में सभी विभागों के कार्मिक सहयोग करें। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्राप्त प्रकरण, उनके निस्तारण, लंबित प्रकरणों की सूचना प्रत्येक 3 माह में जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंदसौर दलोरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में मालवीय मेहर बलाई समाज का प्रथम निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। इसमें 27 जोड़ों ने अग्नि के साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने का संकल्प लिया। गणपति स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ विवाह का सम्मेलन का समापन विदाई समारोह के साथ हुआ। सुबह 8 बजे बारात का आगमन हुआ। दोपहर 12 बजे तोरण वरमाला संस्कार हुए। दोपहर 2 बजे प्राणी ग्रहण संस्कार गायत्री परिवार ने करवाया। 3 बजे मुख्य अतिथियों का आगमन स्वागत नवयुवकों को आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य हुआ। शाम 5 बजे बारातों को विदाई दी गई। निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष सावन मकवाना पालिया मारू ने बताया कि समाजजनों के सहयोग से आयोजन सफल हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब दाऊ साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के माता दाऊ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे ऋषभ गैस सर्विस।
₹500 में सिलेंडर के लिए पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आप ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज होंगे, जनाधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक डायरी, उज्ज्वला गैस डायरी। उपरोक्त निर्देशों में राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि लाभार्थियों को स्वयं ही सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो राज्य सरकार के DOT अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का प्रमाण जैसे नगद राशि, कैश मेमो आवश्यक होगी। पता: ऋषभ गैस सर्विस, पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी। सचिन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 8058766999। राजेश सोनी 7568060310। नितेश राठौर 8003950705। हमारा पता है पंचायत समिति भवानी मंडी, ऋषभ गैस एजेंसी। मदर्स लैब, ए प्ले स्कूल, द फ्यूचर बिगिंस हियर। एडमिशन ओपन। नर्सरी, LKG, HKG। बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस: स्मॉल कार साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, डेडिकेटेड टीचर एंड स्टाफ। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422, 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।